ठीक है वंस अगेन गुड इवनिंग एवरी वन तो और एक टॉपिक आ रहा है आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड का एकेडमिक स्टैंडर्ड दो तीन वे से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास ऐसा भी पूछा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्शन में फिजिकल साइंस में बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या या कौन से मैथड्स का यूज़ करोगे कौन से एकेडमिक स्टैंडर्ड को फॉलोअप करोगे या फिर आ सकता है क्वेश्चन कि सेकेंड आपके जो प्राइमरी सेक्शन गया अभी अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या रहेगा ठीक है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें एक्चुअल में आ, मतलब कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाना पड़ता है एक कंटेंट का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए ठीक है कंटेंट का स्टैंडर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है सो एकेडमिक स्टैंडर्ड यस तो ये एकेडमिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है एकेडमिक स्टैंडर्ड मैंने दो वे से बोल दिया है किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सो so, इसमें कोई इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन को सेपरेट करके लिखने का जरूरत नहीं है ठीक है यू मतलब यू हैव टू ऑनली राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन आफ्टर दैट इसके जो भी पॉइंट्स हैं कि एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कौन से कौन से स्टैंडर्ड को एक्चुअल में आप फॉलोअप करते हो एकेडमिक स्टैंडर्ड पे ठीक है सो वट डू यू मीन बाय एकेडमिक स्टैंडर्ड फर्स्ट ये लिखना है सो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब है टिकल मतलब साइंस में आया तो बस फिजिकल साइंस के इंस्टेट में आप मैथमेटिकल साइंस या मैथेमेटिक्स नाम लिखेंगे ठीक है कौन से स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं जिसके वजह से एकेडमिक स्टैंडर्ड थोड़े से हाई क्वालिटी का होगा इन प्राइमरी लेवल और इन सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल कौन से लेवल के तो आपको कोई भी लेवल आए तो क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा बस आपको फॉलोअप करना है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड के अंदर आपको क्या क्या कौन से स्टैंडर्ड मैंशन करें द फर्स्ट स्टैंडर्ड इज़ कंटेंट स्टैंडर्ड ठीक है आप बच्चों को कौन से टाइप का कंटेंट देना पसंद करेंगे ऐसा कंटेंट जिसमें हर एक चीज़ डिटेल्ड हो या क्लमजी हो सो so, हम ऑब्वियस है इजी टू अंडरस्टैंड जो होगा वैसा ही कंटेंट बच्चों को प्रेजेंट करेंगे तो कंटेंट स्टैंडर्ड क्या बोलता है न क्लियरली डिफाइन वट स्टूडेंट्स शुड नो एंड अंडरस्टैंड इन फिजिकल साइंस इंक्लूडिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड लॉस बच्चे को हमें कंटेंट में स्पेशली फिजिकल साइंस के कंटेंट में तीन चीज देना पड़ता है एक है कंसेप्ट एक है प्रिंसिपल एक है लॉस तो वो अगर समझ पा रहा है इजी टू अंडरस्टैंड है एंड उसको अप्लाई कैसा करना है वो जानता है दैट मीन्स ये कंटेंट बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है ठीक है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कंटेंट स्टैंडर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड पे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा परफॉर्मेंट हमें इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज़ ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है न परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर हम एक्चुअल में लिखते हैं मैथड्स क्या यूज होगा दैट मीन्स कैसे एक टीचर क्लासरूम में फिजिकल साइंस के टॉपिक को प्रेजेंट करेगा उसके लिए कौन से मैथड्स का वो यूज करेगा सो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिस्क्राइब स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू विद देयर नॉलेज वो बताना चाहते हैं कि ये तो मैथड्स हो गया टीचर्स के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया कि यहाँ परफॉर्मेंस दो वे से होता है एक टीचर की तरफ से एक स्टूडेंट की तरफ से अगर टीचर की तरफ से है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स का यूज़ करके बच्चों को प्रेजेंट करेंगे अगर स्टूडेंट की तरफ से है तो स्टूडेंट आफ्टर लर्निंग फ्राम दीचर्स वो क्या करेंगे उसको एक्सपेरिमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी में यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एक मेथड भी है एक्सपेरिमेंटेशन भी आपका एक मेथड है इंक्वायरी मेथड साइंटिफिक इंक्वायरी मेथड इज़ आल्सो योर वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड इन द फिजिकल साइंस तो ये सब फिजिकल साइंस में इंपॉर्टेंट मैथड्स भी हैं ठीक है तो दोनों के लिए बोला ये टीचर्स यूज़ कर रहे हैं तो ये मैथड्स का यूज़ करके वो टॉपिक्स को प्रेजेंट करेंगे अगर वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं दैट मीन्स वहाँ से लर्न करके कैसे हाउ यू यूज दिस मैथड इन द डिफरेंट फील्ड वो सीखेंगे यह हो गया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज़ द असेसमेंट स्टैंडर्ड असेसमेंट यू नो दैट कुछ वर्ड्स मैंने असेसमेंट एंड इवालुएशन में आपको बताया हुआ है असेसमेंट इवाल्यूएशन आप सी सी में पढ़ चुके हो आपने और कहाँ पे पढ़ा है दैट इज ओ टेड के क्लासेस में ओस्टेड के क्लासेस में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था फॉर्मेटिव सबेटिव इवाल्यूएशन एसेसमेंट मिजरमेंट ऐसे वर्ड्स बोला था एसेसमेंट एंड ईवालुएसन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पे हम बच्चों को मेजर करते हैं उनके क्राइटेरिया के बेस्ड पे अगर क्राइटेरिया कंप्लीटली फिक्स्ड है ठीक है

अगर पहले से ही कोई इवालुएशन या फिर कोई एसेसमेंट uh, प्रोसेस या फिर आपका मेज़रमेंट का प्रोसेस पहले से ही फिक्स्ड है एंड इट्स फिक्स्ड फॉर एवरीवन सबके लिए फ़िक्स्ड है कोई भी टीचर हो सबके लिए फिक्स्ड है वही रूल से बच्चों को वो मेज़र करेंगे इवालुएट करेंगे तो वो प्रोसेस अगर कोई हायर ऑथोरिटी मेम्बर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम सेट करता है या फिक्स करता है तो उस टाइप के मेथड को या प्रोसेस को या उस टाइप की इवालुएशन को हम क्या बोलते हैं टीचरमेट बोलते हैं या फिर स्टैंडर्डाइज बोलते हैं क्या बोलेंगे अभी वर्ड्स पढ़ रहे हो है वो words. वो word क्या होगा standardized होगा standardized. या फिर होगा राइट right. वो स्टैंडर्डाइज होगा टीचरमेट नहीं है टीचरमेट मतलब आप करेंगे okay. अपने बच्चों के लिए standardized. Yes. Standardized. Standardized होगा तो मतलब व इस थिंग इज फिक्स फॉर एवरी वन जो चीज़ सबके लिए फिक्सड हो उसको स्टैंडर्डाइज बोला जाता है ठीक है इसलिए ये स्टैंडर्ड वर्ड भी मैंशन हो रहा है बार बार तो असेसमेंट स्टैंडर्ड पर क्या मैंशन होता है द आउटलाइन हाउ स्टूडेंट लर्निंग विल बी मेजर्ड इवालुएटेड इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड क्राइटेरिया फॉर सक्सेस समझ आ गया होगा कि हम बच्चों के जो मार्किंग चीज़ें होती हैं मार्किंग करना और कुछ टेस्ट कर रहे हो तो उसको मार्किंग करना तो हम कैसे उसको इवालुएट करेंगे मूल्यांकन करेंगे एंड असेसमेंट में भी इसमें इंक्लूड किया जाता है मतलब इवाल्यूशन प्लस असेसमेंट उससे क्या होगा ना इससे उनको कितना सक्सेस मिलेगा उसका जो क्राइटेरिया है बच्चे उसको फुलफिल कर पा रहे कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं ये होता है असेसमेंट स्टैंडर्ड नेक्स्ट देखो पैडागॉजिकल स्टैंडर्ड पैडागॉजिकल स्टैंडर्ड मतलब ये टीचर्स के लिए है गाइड टीचर्स ऑन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो कैसा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए किस टाइप का इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को देंगे प्लस उसमें लेसन प्लानिंग होगा क्लासरूम मैनेजमेंट होगा एंड टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेशन होगा मतलब आप चाहो तो वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, ऑडियो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स और कलरफुल कुछ भी वीडियोस के थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ये होता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पैरलॉजिकल स्टैंडर्ड्स में आजकल ये आ गया है नेक्स्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होता है न एंश्योर ए सेफ लर्निंग एनवायरमेंट फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को जैसे सीधे और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिले या डायरेक्ट उनको एक्सपीरियंस मिले एंड एक्सपेरिमेंट्स वो कर सके इसलिए डायरेक्टली बच्चों को सेफ्टी स्टैंडर्ड देना चाहिए और एक लर्निंग एनवायरमेंट सेफ वाला देना चाहिए जिसमें बच्चा सीख सके ठीक है अभी देखो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन फिजिकल साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों हमें एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए या फिर इसका एम क्या है नंबर वन प्रोमोट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ये प्रोमोट मतलब बढ़ावा देता है या फिर मोटिवेट करता है क्या करने के लिए ना साइंटिफिक जो कंसेप्ट है जो साइंस के डिफरेंट कंसेप्ट है उसको अच्छे से सीखने के लिए उसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से सीखने के लिए नंबर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का डेवलपमेंट होगा एंड एनालिटिकल जो स्किल है बच्चों में वो भी डेवलप्ड होगा ठीक है और क्या करेंगे ना बच्चे इंकरेज बच्चों में इंकरेज किया जाएगा साइंटिफिक लिटरेसी एंड क्यूरिसिटी को जितना वो क्यूरियस होंगे उतना वो लर्न करेंगे उतना वो सीखेंगे एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को अभी नेक्स्ट देखो प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मतलब उनके करियर में क्या क्या करना है करियर इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो बच्चों को प्रिपेयर करना स्टेम के लिए इसको शॉर्टकट में हम सेम बोलते हैं दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बच्चों को इन सब्जेक्ट्स के लिए तैयार करना प्रोफेशनली वो वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें और उसमें आगे बढ़े उसे देखने के लिए फिजिकल साइंस पैडागोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है ठीक है फर्स्ट एर कल्चर ऑफ़ इंक्वायरी अरे कल्चर ऑफ इंक्वायरी मतलब कल्चर को बढ़ावा देना नहीं बोला गया इंक्वायरी जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा देना जस्ट लाइक द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी सर्च रिसर्च ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाना एक्सप्लोरेशन नए नए चीज़ों को डिस्कवर करेगा और एक्सप्लोर करेगा अभी देखो एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन फिजिकल साइंस कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोग्राम्स हैं अभी तक स्कूल में चल रहे हैं ठीक है फर्स्ट वन इज एन जी एस एस एन जी एस एस बुक में नहीं है आपका तो इसलिए इसको प्रिपेयर करना प्रॉपरली नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड बोला जाता है इसको नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड नेक्स्ट वन इज द ए एस मतलब ट्रिपल ए एस दैट इज़ द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ये क्यों है ना साइंस का जो एसेसमेंट है मतलब साइंस में और क्या ढूंढना है कैसे ढूंढना है कितना रेंज तक और ढूंढना है और उसके कंटेंट के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए यह एसोसिएशन बना हुआ है नेक्स्ट है एन एस ई एस नेशनल साइंस एजुकेशन स्टैंडर्ड ठीक है और नेक्स्ट है आपका आई बी ठीक है आई बी होता है आपका इंटरनेशनल बैका लॉरिएट ठीक है बैकलॉरिएट इंटरनेशनल बैकलॉरिएट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ये एसोसिएशन बना हुआ है इंटरनेशनल ग्राउंड पे इंटरनेशनल के लेवल पे दैट इज़ द इंटरनेशनल बैकलॉरिएट मतलब ये सारे एकेडमिक स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए इतने सारे स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए रखा गया है एसोसिएशन ठीक है नेक्स्ट देखो दीज स्टैंडर्ड्स वेरी बाय कंट्री ये जो स्टैंडर्ड्स है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग है रीजन वाज भी अलग अलग है मतलब हमारे जो जगह के अकॉर्डिंग लोकेशन के अकॉर्डिंग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग उसके नीड के अकॉर्डिंग भी अलग अलग है बट शेद अ कामन गोल इनका गोल और एम सेम है क्या ना हम चाहते हैं इफेक्टिव वे से एनर्मर्स ग्रोथ हो मतलब एनर्मस मतलब बड़ा ज़्यादा बहुत ह्यूज अमाउंट में ग्रोथ होना चाहिए आपके फिजिकल साइंस एजुकेशन में द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या इंपॉर्टेंस है अभी क्वेश्चन देखो दो पार्ट में बोला गया ठीक है एक पार्ट पर मैंने आपको डिटेल्स बताया कि कितने टाइप्स का स्टैंडर्ड होता है एंड क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड पे कितने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे एसोसिएशन है जो कि डेवलपमेंट में वर्क कर रहा है सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि इसका एम क्या है एंड इम्पॉर्टेंस क्या है तो इम्पोर्टेंस में देखो क्या क्या मैंशन हुआ नंबर वन क्लियर एक्सपेक्टेशन क्या क्लियर एक्सपेक्टेशन ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि हम क्लियर गाइडलाइंस देंगे बच्चों को मतलब टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स को ऑन फर्ड स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू हम किस पे दे रहे हैं बच्चे क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर चाहिए ठीक है नंबर टू कॉन्सिस्टेंसी देखो पढ़ाई कर लिया एक लिमिट तक जाके आपका जो एक्सप्लोर करना था कर लिया उसके बाद आपको सपोर्ट नहीं मिला तो आप फिर से डाउन हो जाओगे जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लोग डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी तो उस चीज में अगेंस्ट स्टैंडर्ड को बढ़ाना है मतलब हमें कंसिस्टेंटली उसमें लगे रहना पड़ता है तो स्टैंडर्ड्स एंड कंसिस्टेंसी इन टीचिंग एंड लर्निंग अक्रॉस डिफरेंट क्लासरूम स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट ठीक है इसलिए एक प्रोग्राम भी होता है जस्ट लाइक ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिवस क्या है इस स्कूल के कुछ स्पेशल टीचर्स जो बहुत ही एजुकेटेड और एक्सपीरियंस है दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाएंगे वहाँ के टीचर इस स्कूल में आएँगे तो ऐसे में क्या होता है न डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स के इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन के जो नॉलेज एक्सपीरियंस है वो शेयर होता है कंसिस्टेंसी उसमें मिलता है प्लस हमें एक आइडिया मिलेगा कि बच्चों को और ज़्यादा क्या करना चाहिए ये पॉइंट आएगा नेक्स्ट नंबर थ्री अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स होल्ड टीचर्स एंड स्कूल्स अकाउंटेबल फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन देखो अगर बच्चों को स्टैंडर्ड वाइज पढ़ाई करवाना ही है तो उसमें मेन रोल प्ले करता है टीचर्स एंड स्कूल उसको हम अकाउंटेबल और काउंटिंग में रखना ही पड़ेगा विदाउट टीचर एंड स्कूल हम लोग हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे सकते नेक्स्ट नंबर फोर इम्प्रूव स्टूडेंट्स आउटकम स्टूडेंट्स का रिजल्ट और प्रोडक्ट बच्चों को पढ़ा देना इंपॉर्टेंट नहीं होता रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है सो so बच्चों को जितना बेटर वे से पढ़ाओगे जितना वो इन्जॉय करके पढ़ेंगे ऑब्वियसली उनके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आएंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए वो प्रिपेयर रहेंगे उनके करियर के लिए वो आगे बढ़ेंगे नंबर फाइव प्रिपरेशन फॉर स्टेम कैरियर स्टेम आपको अभी बताया था एज फॉर साइंस ई फॉर आपका टेक्नोलॉजी ई फॉर इंजीनियरिंग एंड फॉर मैथ बच्चों को इन चार जो प्रोफेशनल फील्ड है उसमें जाने के लिए मोटिवेट करना सिक्स पॉइंट पे आते हैं दैट इज़ द दिक्स पॉइंट इज द साइंटिफिक लिटरेसी स्टैंडर्ड्स प्रोमोट साइंटिफिक लिटरेसी बच्चों में हम साइंटिफिक लिटरेसी मतलब साइंस रिलेटेड जो एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी है बिल्डअप करना एंड क्रिटिकल थिंकिंग कोई चीज़ को बहुत ही डीप वे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एसेंशियल फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग अगर इतना बच्चों को सिखाते हो ना तो डिसीजन मेकिंग में उनको बहुत ज़्यादा ईजी होता है नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट पे चलते हैं रिसर्च बेस्ड स्टैंडर्ड्स आर ऑफन डेवलप्ड बेस्ड ऑन रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन साइंस एजुकेशन स्टैंडर्ड जो हम डेवलप करते, है है करते हैं ना वो रिसर्च के ऊपर ही डिपेंड करता है ठीक है एंड बेस्ट प्रैक्टिस मतलब कितना हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं एजुकेशन में एट नंबर पॉइंट फ्लैक्सीबिलिटी स्टैंडर्ड्स अलाउ टीचर्स टू एडेप इंस्ट्रक्शन टू मेट द डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड्स वेल मेंटेनिंग द रिकॉर्ड एंड कॉन्सिस्टेंसी अब देखो बहुत बार मैंने बोला है मेनी टाइम्स आई टॉट यू सॉरी आई टोल्ड यू दैट इंडिविजुअल डिफरेंस आर प्रेजेंट इन द स्कूल्स कॉलेजेस एंड द सोसाइटी एवरी इयर इंडिविजुअल डिफरेंस आर प्रेजेंट वेन वी डिलीवर आवर था और डिलीवर आवर एक्सपीरियंस और डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन बिफोर और बिहाइंड द स्टूडेंट्स सो सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली बट मेनी ऑफ दैम आर नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड और रिकॉल दैम इजीली ठीक है उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते सो दैट so हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ता है कि समटाइम वी टॉट जस्ट लाइक स्टोरी जस्ट लाइक ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ गेम और जस्ट लाइक ए पीस ऑफ जोक तो जोक के थ्रू भी कभी कभी बताया जाता है कोई लॉ को कोई इन्फॉर्मेशन को दिए जाते हैं ताकि बच्चे को रिमेंबर हो सके तो ये जो चीज़ है ना ये स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि टीचर को डिफरेंट वे से इंस्ट्रक्शन को बच्चों को देने के लिए ठीक है बिकॉज बच्चों का नीड अलग अलग है बच्चों के डिमांड्स अलग अलग है आप सबके डिमांड्स अलग अलग है तो उस चीज़ को मिट करने के लिए उनके अकॉर्डिंग भी हमें नोट्स बनाना पड़ता है ठीक है उस अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ाना पड़ता है उस अकॉर्डिंग मैथ्स का यूज़ करना पड़ता है सो दैट इज़ द पॉइंट नंबर नाइन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एमंग टीचर पेरेंट्स स्टूडेंट सो पहले भी आपको बोल दिया है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन प्रोग्राम्स होते हैं पैप प्रोग्राम्स एंड इसमें अभी है कि बच्चों का अगर डेवलपमेंट चाहिए सो so सीरियसली बच्चों को जानना पड़ेगा बच्चों को आप जानते हो आठ घंटे उसके बाद सोलह घंटे बच्चा घर पे रहता है फ़िफ्टीन टू सिक्सटीन आवर्स वो स्टे करता है घर पे सो पेरेंट्स नो बेटर देन अस हमसे ज़्यादा वो अच्छे से जानते हैं कि बच्चा कैसा है अभी वो जब पेरेंट्स एंड टीचर मीटिंग में बैठेंगे तो ऑब्वियस है उनका क्या नीड है कैसा बिहेवियर है किस टाइप का प्रेजेंटेशन चाहिए वो बता पाएंगे या किस टाइप का इंस्ट्रक्शन बच्चों को नीड है वो बता पाएंगे टीचर्स उसको मॉडिफाई करेंगे एंड उसको आगे लेके जाएंगे तो ये होता है कम्युनिकेशन टीचर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एंड अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस लास्ट पॉइंट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड क्या प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क देता है जिस फ्रेमवर्क में कोई भी बच्चे को डालो तो उनका प्रोसेसिंग अच्छा ही चलेगा इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर मिलेंगे इवैल्यूएशन होगा इम्प्रूवड होगा टीचिंग एंड लर्निंग सो ऐसा एकेडमिक स्टैंडर्ड अगर हम लोग अलाउ करते हैं इन प्राइमरी सेक्शन अपर प्राइमरी हायर एजुकेशन सिस्टम में तो ऑबियस है जो एजुकेटर्स हैं एजुकेशन सिस्टम में उनको भी काम करने को ईजी होगा प्लस स्टूडेंट रिसीव ए हाई क्वालिटी एजुकेशन उसके साथ बच्चों को भी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा दैट प्रिपेयर्स दैम फॉर सक्सेस इन साइंस एंड बियॉन्ड जो कि उनको प्रिपेयर करेंगे साइंस और उससे भी ऊपर कुछ अगर है उस पर काम करने के लिए और उसमें सक्सेस लाने के लिए सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड ये होता है एकेडमिक स्टैंडर्ड अगर कहीं पे भी मेंशन हुआ कि प्राइमरी लेवल में फिजिकल साइंस को कैसे पढ़ाओगे कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो करना है हायर सेकेंडरी पे और सेकेंडरी पे अपर प्राइमरी पे तो यही आंसर लिखना है क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है अल्टरनेटिव वे से इतना है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड फैमिली